चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। क्या करते हो? सब्जी का काम करते हैं जी, डेयरी का करते हैं जी। कब से आप ये काम कर रहे हो? ये जी 8-9 साल हो गए कम से। कितनी मजदूरी पड़ जाती है इसमें आपको या भाई? इसमें 250-300 रुपये। ये वाला है कम से कम 8-9 किलोमीटर हो जाता है जी। एक साइड से 4-5 किलोमीटर हो जाता है एक दिन में। इतना घूमना पड़ जाता है जी? घूमना तो ज़्यादा पड़ता है, घर घर गली गली जाना पड़ता है। वो अगर हिसाब लगाएं तो 200 किलोमीटर पड़ेगा, और नहीं तो आना जाना ही है तो मेन रोड से ही है कि आना जाना 8-9 किलोमीटर पड़ जाता है। और घर की अगर गली ना पे तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, पूरा एक का गांव घूमना पड़ता है, गली गली घूमना पड़ता है, पूरा एरिया घूमने में तो जी पैदल भी चलना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, थक जाते हैं बहुत बुरी तरह, हालत ख़राब हो जाती है, आगे तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और तो सब्जी बिक जाए तो ठीक, और ना बिके तो ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए उसमें। व्यवहार तो ऐसा हो जाता है, घर जैसा व्यवहार हो जाता है। जो पारिवारिक लोग हैं वे अच्छी तरीके से बात करते हैं, जो पारिवारिक नहीं है बस वे अपनी बदतमीजी वाली बात करेंगे। मतलब बड़ी मिलेगी आंटी जी, अंकल जी, अंकल जी आंटी जी सबके साथ ऐसे पेश आना पड़े, भाभी जी, भाई साहब, हाँ जी करना पड़े। हाँ जी करेंगे तो दुकानदारी होगी, वरना नहीं होगी। सब्जी लेते हुए झगड़ा भी करते हैं हमारे, मार पीटने का भी नंबर आ जाता, लेकिन हम अपना दुकानदारी के चक्कर में चुप हो गए, अपने घर आ जा। नगद भी चले जाओ, उधार भी देना पड़ जाए किसी को, डेली जाएंगे वो पैसे दे दें बेचारे, कोई मार भी ले लेके भाग जाओ, मजे देते भी नहीं, मने करते। अब तो कुछ भी वजन ले लेता, अभी दो दो ढाई ढाई क्विंटल इस पर खींचना मजाक बात नहीं है, और उसको बेच करना 1 करोड़ पढ़ाना, बाजी बार दो उसी 1 करोड़ टूटो, इतना थक जाओ।
बाबू भाई, ऐसे मजदूरों की कोई यूनियन है या? कोई यूनियन नहीं है, यूनियन बनाते नहीं लोग, ऐसे करते हैं अगर चार बैठ जाएंगे तो दो मंडी पहुंच जाएंगे कि भाई मैं मजदूरी नहीं छोड़ सकता। इन बच्चों के बारे में तो बेहतर ही सोचता है माँ बाप कि कोई बड़ा हो गया डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, बहुत से ऐसे चीजें हैं। अब बनेंगे तो तभी, तब अच्छी पढ़ाई होगी तभी तो बनेंगे। अब पढ़ा तो पा नहीं पाए इतना। क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? बजट नहीं है इतना। स्कूल वाले फीस 1 रुपए की छोड़ दे, हर महीने फीस चाहिए। एक बच्चे की फीस 400-500 रुपए महीना पड़ जाती है। Thank you.